हेलो फ्रेंड्स क्या आपने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में मशीन से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया है क्या आपने कभी इसका यूज भी किया है आपको पता है कि ऐसी रिटेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो निश्चित ही आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज हम लोग उस इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रिटेलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग वेंडिंग मशीन्स बोलते हैं अ वेंडिंग मशीन इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग इट इज़ अ मशीन ऑपरेटेड बाय क्वाइंस और टोकन्स द बायर इंसर्ट्स अ क्वाइन और टोकन इन द मशीन एंड रिसीव्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मशीन तो वेंडिंग मशीन एक न्यू टाइप ऑफ रिटेलिंग है बड़े बड़े शहरों में रेलवे स्टेशंस में मॉल्स में बस स्टैंड्स में आप इसका यूज कर सकते हैं ये मशीन्स कॉइंस या टोकन्स के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं जब भी आप जितने अमाउंट का कॉइन है या टोकन है उसमें प्लेस करते हैं तो जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो मशीन आपको प्रोवाइड करती है वो ऑलरेडी डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स दिखाई देते रहते हैं आपको आपको बस उसमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है और उतने अमाउंट का कॉइन उसमें डालना है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ रिटेलिंग मानी जाती है इसके कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो वेंडिंग मशीन का होता है कि बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल यानी आप इसमें 24 फोर आवर्स में कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं ये दुकानें कभी बंद नहीं होती हैं आप जब भी चाहें इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को क्वाइंस डालकर परचेज कर सकते हैं सेकेंड एडवांटेज इज द कस्टमर गेट्स द फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स वेंडिंग मशीन्स में लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो हर डे कंज्यूम हो जाता है इसलिए इसमें कोई भी सामान पुराना नहीं होता है समय समय में इसमें सामान को चेंज कर दिया जाता है इसलिए कस्टमर्स को फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स मिलता है एज कंपेयर टू अदर शॉप्स और लास्ट एडवांटेज जो है नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन वेंडिंग मशीन को चलाने के लिए कोई सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कस्टमर्स अपने से ही परचेजिंग और सिलेक्शन कर सकता है पेमेंट भी वो अपने से ही करता है इसलिए इसमें किसी भी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ वेंडिंग मशीन चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं वेंडिंग मशीन्स की सबसे पहला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज क्वाइट हाई यानी वेंडिंग मशीन को परचेज करने में काफ़ी खर्चा होता है उसको इंस्टॉलेशन में भी खर्चा होता है यानी अगर किसी सेलर को वेंडिंग मशीन्स के थ्रू सेलिंग करनी है तो उसको शुरुआत में काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेकेंड है मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मशीन्स अगर रेगुलरली 24 फोर आवर्स यूज होगी तो निश्चित ही उसमें रिपेयर्स और मेंटेनेंस मांगेगा इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है लास्ट है आपका क्वाइंस ऑफ एग्जैक्ट शेप्स एंड साइज आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन इसमें कस्टमर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वाइंस और पर्टिकुलर साइज के क्वाइंस को ही फीड करना होता है अदरवाइज आपका क्वाइन भी चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा इसलिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी होती है जिस भी कस्टमर के पास क्वाइंस नहीं होते हैं वो करेंसीज के थ्रू यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते हैं तो ये हैं आपके मेजर लिमिटेशंस ऑफ वेंडिंग मशीन अगर आपको ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक like, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल मिशन कॉमर्स जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में जानकारी आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे तब तक के लिए थैंक यू